वेलकम टू सिंपल फूड। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ये कढ़ाई पनीर। इसके लिए मैंने ये तीन प्याज लिए हैं, मैंने इनको काट लिया है लंबा लंबा। और ये शिमला मिर्च ली है, दो शिमला मिर्च थी काट ली है, इनको भी हमने लंबा लंबा ही काटा है। और ये टमाटर लिए हैं, तीन टमाटर हैं, इनको मैंने उबाल लिया है। थोड़े से काजू हैं और ये हरी मिर्च है, इनको भी उबाल लिया है। इनको हम पीस लेंगे, ये हम इसमें डाल देते हैं ग्राइंडर में। टमाटर का छिलका उतार के डालेंगे, ये मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, ऑयल हमारा हो चुका है तो मैं इसमें ये जीरा डालूंगी, आधा चम्मच ये जीरा। तेज पत्ता और ये लाल मिर्च, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये हमारे टमाटर हरी मिर्च और काजू की प्योरी है। ये हमारे मसाले हैं, ये लाल मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक। ये दो चम्मच दही है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। ये थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, हम इधर अपने प्याज सोटे कर लेते हैं। ये शिमला मिर्च भी साथ में ही कर लेते हैं। ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसको काट लेते हैं हम पीसेस में। ये हमारे हो चुके हैं शिमला मिर्च और प्याज, इनको डाल देंगे। ये हम कर लेते हैं अपना थोड़ा सा फ्राई। ये हमारा पनीर भी हो चुका है, ऐड कर देते हैं अब हम अपनी सब्जी में इसको। ये कलर के लिए मैंने थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि हमारा अच्छा सा कलर आ जाए। ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, ये खाने में काफ़ी टेस्टी है, ये देखिए गाइस।
एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।